हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केएफसी बिग बैश लीग के मुकाबले की, जो खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में लॉन्केस्टन के ओरोरा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 15 दिसंबर को दोपहर के 1:45 पर। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है Sony 6 के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो और मैच प्रिडिक्शन भी चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहां आपको बेस्ट लीग के सारे गेम, इंटरनेशनल मुकाबले, उसके अलावा भी काफी सारे मुकाबलों की फैंटेसी टीम और प्रेडिक्शन मिलने वाला है। तो देर बिल्कुल मत करो, टेलीग्राम पे सर्च करो द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को ज्वाइन कर लो। और क्रिकेट के बारे में बाकी सारी जानकारियों के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां आपको क्रिकेट के बारे में सारी खबरें मिल जाएंगी। तो हैंडल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूं लॉन्केस्टन की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो इस मैदान पे अब तक कुल 5 बिग बैश के मुकाबले हो चुके हैं, जहां पे 2 बार टीमों को पहले बैटिंग करते हुए जीत मिली है और 3 बार टीमों को चेस करते हुए जीत मिली है। और यहां पे पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर है 140 रन का, नहीं इतना अच्छा बैटिंग ट्रेंड लगता नहीं है रिकॉर्ड के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं होबार्ट हरिकेन्स की टीम के बारे में, जो कि अपने 2 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है और ये टीम काफी शानदार खेल रही है। और पिछले मुकाबले टीम ने एडिलेड की टीम को हराया था। डार्सी शॉट ने पिछले मुकाबले के अंदर काफी शानदार पाली खेली, उनका फॉर्म मैंने काफी शानदार बात है इस टीम के लिए, वो सबसे अच्छे बैट्समैन है होबार्ट की टीम के। उसके अलावा नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करते हुए कॉलिन इंग्रम ने भी काफी शानदार बैटिंग करी है। इंग्रम एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर, उनका फॉर्म में आना एक जबरदस्त बात रहने वाली है। और विल जैक्स ने पिछले मुकाबले में अच्छी बैटिंग करके दिखाई टीम के लिए। विल जैक्स एक काफी अच्छे युवा बल्लेबाज है, इंग्लैंड से आते हैं। इस मुकाबले के अंदर बेन मैकडरमॉट भी टीम में आ जाएंगे। बेन मैकडरमॉट एक काफी कमाल के बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया ए टीम से खेल रहे थे, पर उनके आने से इंडियन की बैटिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बॉलिंग के बारे में, तो जेम्स फॉकनर ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग करते 2 मुकाबलों के अंदर 5 विकेट निकाले हैं। फॉकनर भी एक्सपीरियंस से पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। और राइली मेरेडिथ की बॉलिंग काफी शानदार रही है, वो भी 4 विकेट ले चुकी है और उनकी पेस बॉलिंग भी काफी शानदार काम करेगी इस मुकाबले के अंदर। स्पिन के अंदर पिछले मुकाबले के अंदर योहान बोथा ने काफी कमाल की बॉलिंग करी थी, एक काफी एक्सपीरियंस बॉलर बोथा भी है। तो होबार्ट की टीम के पास एक बहुत ही कमाल की स्क्वाड है और बेन मैकडरमॉट के आने से टीम की बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली इस मुकाबले के अंदर। तो अगर मैं होबार्ट के प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं, तो होबार्ट की टीम के लिए ओपन करेंगे डार्सी शॉट और विल जैक्स, नंबर 3 पे कॉलिन इंग्रम, नंबर 4 पे बेन मैकडरमॉट, नंबर 5 पे पीटर हैंडसकॉम, नंबर 6 पे टिम डेविड, फिर जेम्स फॉकनर, योहान बोथा, राइली मेरेडिथ, नेथन एलिस और स्कॉट बॉलन। तो विनिंग कॉम्बिनेशन होबार्ट के पास में और मैकडरमॉट के यहां से टीम की बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूं एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम के बारे में, जो कि पिछला मुकाबला इस होबार्ट की टीम से हारता हुआ आ रहा है। वहां पे टीम बिल्कुल खास कर नहीं पाई थी, हालांकि सबसे अच्छी बात यह टीम में फाइट काफी आया था पिछले मुकाबले के अंदर। डैनी ब्रिक्स और डेनियल वॉलेंटिन के जो बॉलर हैं उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की, उनको पता लगता है कि इस टीम के बॉलर भी काफी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अगर बाकी टीम के बारे में बात करता हूं, तो बैटिंग के अंदर इस मुकाबले में एलेक्स कैरी वापस ही टीम आ जाएंगे और एलेक्स कैरी का आना काफी शानदार बात है इस टीम के लिए, वो एक बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन रहेंगे इस मुकाबले के अंदर। फिलिप सॉल्ट को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, फिलिप सॉल्ट एक काफी कमाल के T20 बल्लेबाजी उम्मीद करने वाला है, वो अच्छा खेलेंगे इस मुकाबले के अंदर। और जैक वेदरहॉल्ट एक और काफी कमाल के प्लेयर है इस टीम के लिए, काफी कमाल के ओपनर है वो, अगर वो अच्छी शुरुआत देंगे तो टीम को काम आने वाला, जरूर टीम की बैटिंग इस मुकाबले में अच्छा खेलना चाहेगा। और मैट रैंचो काफी अच्छा एडिशन है इस टीम के लिए, वो बैटिंग करते हैं, उसके अलावा उनकी स्पिन बॉलिंग भी टीम के काम आने वाली है। अगर मैं आपसे बात करता हूं टीम की बॉलिंग के बारे में, तो पिछले मुकाबले में राशिद खान फ्लॉप हो गए, पर राशिद हम सबको पता है कितने कमाल के बॉलर, इस मुकाबले के अंदर जरूर से अच्छी वापसी करना चाहेंगे। और वैस अगर ने पिछले मुकाबले के अंदर काफी अच्छी बॉलिंग करी थी, अगर एक काफी अंडररेटेड विकेट टेकर, तो एडिलेड के पास टीम बुरी नहीं है और पिछले मुकाबले में टीम ने प्रूव किया कि इस टीम के गेंदबाज भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस मुकाबले के अंदर 2 बदलाव होंगे एडिलेड की टीम के अंदर।
तो इस टीम के लिए ओपन करेंगे फिलिप सॉल्ट और जैक वेदरहॉल्ट, नंबर 3 पे एलेक्स कैरी, नंबर 4 पे मैट रेनशो, नंबर 5 पे जोनो वेल्स, नंबर 6 के ऊपर आपके मैथ्यू शॉट, नंबर 7 पे राशिद खान, फिर वैस अगर, डेनियल ब्रिक्स, डेनियल वॉरलॉक, पीटर सिडल। तो काफी अच्छी टीम है एडिलेड के पास में और एलेक्स कैरी की यहां से टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके ये मुकाबला कौन जीतने वाला है, वो टीम होगी होबार्ट हरिकेन्स, वो टीम होगी एडिलेड स्ट्राइकर्स, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाले कुछ दिन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में वापस से होबार्ट का पल्ला भारी रहने वाला है। होबार्ट के पास एक काफी शानदार स्कोर है और बैन के यहां से टीम की बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब, कीजिए चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे इसी तरह की अगली वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।